थर्ड नंबर देखिए, यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप लेट एफ एक्स बराबर में क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए बराबर में है जीरो, बी बराबर में है टू, एन एच बराबर में लिखेंगे बी माइनस ए, जहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी तथा एच टेंस टू जीरो, यही ना होगा जी। चलिए तो एन एच बराबर में आ जाएगा टू माइनस जीरो यानी कि टू। चलिए अब देखते हैं एफ ए प्लस आर एच का मान, तो क्या हो जाएगा ए प्लस आर एच का होल स्क्वायर और प्लस में वन, ए का वैल्यू जीरो है जीरो रख दो, जीरो प्लस आर एच का होल स्क्वायर प्लस वन, यानी यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस वन। तो इसका आप नहीं बना सकते, सेम पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, उसमें तो एक एक्स्ट्रा ही पद था आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू आर एच प्लस वन था, तो इसमें तो ये टर्म नहीं गया, खाली बीच वाला टर्म नहीं लिखेंगे, बाकी यही दोनों टर्म रहेंगे, पिछले क्वेश्चन वाला ही नोट कर देना है, जो पहला क्वेश्चन बताया था मैंने, देख रहा है ना यही और ये दो टर्म थे, तो वही सेम उतार के वहां पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपका वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बन जाएगा आपसे। चलिए अगला।